समय कल की धाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की धाम में जो मंदिर कल की धाम बनना है उसके शिला पूजन के लिए, उसके शिलान्यास के लिए पूजा अर्चना में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हैं। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आप देख सकते हैं, पूरी विधि विधान से यहां पूजा की जा रही है। साथ ही तस्वीरों के अंदर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं, किस तरीके से यहां पर पूजा का आयोजन चल रहा है। और कल की धाम विष्णु भगवान के अवतार कल्की के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि कल्की अवतार अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही ये धाम बनकर तैयार हो रहा है और ये धाम बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं वहां पर। और ये तस्वीरें सीधे आप कल्की धाम से देख रहे हैं। तो ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के कल्की धाम पहुंचने के बाद, पूजा आयोजन में बैठने के बाद की तस्वीर है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, साथ ही बैठे नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और साथ ही पीछे फूलों से लिखा गया है कल्की धाम। ये वो कल्की धाम बनने जाएगा यहां पर, जिसके मंदिर का मॉडल भी आज प्रधानमंत्री जो है वो अनावृत करेंगे। यानी कैसा दिखेगा कल्की धाम, उसमें जानकारियां होंगी। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के को गर्भगृह के अंदर स्थापित किया जाएगा, गुलाबी रंग के पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा। कितना भव्य यह मंदिर होगा वो भी आपको बता देते हैं। सोमनाथ श्रीराम मंदिर में लगे हैं गुलाबी पत्थर, और उसी तर्ज पर इसे भी बनाया जाएगा। मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा, यानी काफी विशाल ये मंदिर होगा। और इस मंदिर के अंदर भी वैसे ही पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा सोमनाथ मंदिर में इस्तेमाल किया गया है, या जैसा भगवान श्री रामलला के मंदिर में इस्तेमाल किया गया है। 11 फीट से ऊपर का इसका चबूतरा होगा। मंदिर के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, 68 तीर्थ स्थान भी इसके अंदर स्थापित होंगे। नमस्कारोमि पुनः गंधाक्षत पुष्पम गृहीत्वा शिला पूजनम् ओम श्री चते लक्ष्मीस्याग्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं सुविनौ व्यात्तं इष्णन्नि घाणामु मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण भूर्भुवाश्वा शिलास्थ देवतायै नमः ध्यायामि गंधाख जरिए के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, साथ ही साथ श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी उनके साथ हैं, जो है आचार्य। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे संबल से कल्की धाम में शिला पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, और इस समय शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। शिला पूजन के कार्यक्रम के लिए सुबह से ही आयोजनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, सुबह 7:30 बजे से ही। और बनारस से लेकर अलग अलग स्थानों से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उनसे मुलाकात कर प्रधानमंत्री को इस मंदिर के शिलान्यास का आमंत्रण दिया गया था आचार्य जी के द्वारा, और अब जो है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कंकण बंधना ओम जदावधनान्दाक्षायण हिरण माधवो मां पुनातु गोविंदाय नमः अस्तौ प्रक्षाल्यो स्वस्ति तिलकाम हरिः ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानयम् योगश्चोकरणं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमोऽयमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्मिन् भारतवर्षे उत्तरप्रदेशे संभलमण्डलान्तर्गत ऐचोड़ा कम्बोः तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च। सीधे तस्वीरें देख रहे हैं आप संभल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल्की धाम में शिलान्यास करते हुए कल्की धाम मंदिर का। और आपको बता दें कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कलयुग का अंतिम अवतार माने जाते हैं भगवान कल्की, जिनका अवतरण अभी होना बाकी है। और पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान कल्की जो है वो संभल में ही अवतरण करेंगे। संभल
योगश्चोकर्णं चैव सर्वं विष्णुर्वयं जगत सूर्यः सोमोऽयमः कालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ताजा तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप संभल से देख रहे हैं। और पुराणों में भगवान कल्की के अवतरण को लेकर इस बात का उल्लेख मिलता है कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति।